शरीर ही नहीं रहेगा तो धन कहाँ रहेगा। तो धन का क्या है काम, शरीर का क्या काम है? ये जो शरीर मिला है ये अस्थाई नहीं है, इसका काम क्या है? इसको सेवा में लगा दीजिए, इसको परोपकार में लगा दीजिए, अपने जीवन का कल्याण करिए और समाज कल्याण में लगा दीजिए, वरना ये शरीर राख हो जाएगा। और जिस दिन राख हो जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन शरीर लाचार हो जाएगा, एक गिलास पानी भी नहीं उठेगा, उस दिन आपको ख्याल आएगा कि हमने धर्म क्यों नहीं किया। तब लगेगा कि बाहर जितना भी हमने किया सब व्यर्थ हो गया, अब तो बेटा भी पानी देने को तैयार नहीं। और तब याद आएगा कि अच्छा होता भजन कर लेते, गुरु की भक्ति कर लेते, तो शायद कुछ हमारे खजाने में जमा हो जाता। हमने तो वो काम किया है जो बेटा पहले ही बाँट लेगा, पड़ोसी बाँट लेगा, कोई लूट लेगा, वो धन हमने कमाया नहीं जो साथ जाएगा। जब आदमी के भीतर से प्राण निकल जाता है और जब शरीर को मरघट पहुंचा दिया जाता है, तो मानो वो आत्मा वो शरीर पूछता है किससे, मृत्यु से, कि मुझे किसने ला के अंधेरे में छोड़ा है। अब यहाँ हम लोग लाइट जला के बैठे हैं, नहीं कुछ तो दिया जलाएंगे, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो शमशान घाट में लाइट जलती है, उस अंधेरे में सदा सदा के लिए आदमी वहाँ समा जाता है। तो उस अंधेरे में मानो वो शरीर कह रहा है कि किसने मुझे अंधेरे में छोड़ा है, तो मृत्यु कहती है जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें अंधेरे में ला के छोड़ा है, कोई दूसरा नहीं छोड़ा है। अच्छा होता कि तुम कुछ धर्म का काम कर ले जाते, अच्छा होता किसी भूखे को भोजन करा देते, अच्छा होता किसी प्यासे को पानी पिला देते, अच्छा होता किसी लाचार का सहारा बन जाते, अच्छा होता तुम्हारा बल किसी कमजोर का काम आ जाता, अच्छा होता तुम्हारा धन किसी गरीब के काम आ जाता। जितना है उतना में ही सेवा करते चलो। संत ये नहीं कहते जो है लुटा दो, संत ये कहते हैं कि तुम भी खाओ और बन पड़े समाज राष्ट्र की सेवा भी करो, गुरु की सेवा भी करो। क्योंकि जो आप सच्चे मन से परोपकार करते हैं वही आपका असली धन होता है, और जो सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं वो खत्म हो गया, वो आपके शरीर पर चला गया। लेकिन जो तन से आप सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, निष्काम भाव से, यहां भी ध्यान देने की बात है कि आपने किसी को दान दे दिया, अगर आप दान के पीछे कामना हो गई कि मैंने दान दिया इसका फल मुझे मिले, दान आपका खत्म हो गया। आपने किसी की सेवा कर दी और कामना हो गई कि सेवा का फल मुझे मिले, वो सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा। आपने यह करना है कि आप यह सोचिए कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैंने किया बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सच तो यह है कि जो व्यक्ति इस भाव से सेवा करता है कि नहीं मैंने किया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु कबीर कहते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए वही साहंगशाह, कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सम्राट बन जाता है, उसी को सब कुछ मिल जाता है। और जो कामना कर लिया कि मुझे कुछ मिल जाए बदले में, उसकी सेवा, उसका धर्म, उसका परोपकार, उसका पुण्य वहीं खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि जब मन को आप पवित्र कर लेंगे तब समझ में आएगा कि इसी जीवन में रहते, इसी शरीर में रहते हमको भक्ति कर लेनी है, इसी शरीर में रहते हमको धर्म का काम कर लेना है, इसी शरीर में रहते हमको परोपकार का काम कर लेना है। पता नहीं मौत कब आ जाए, कोई जानता है? वो बता के थोड़े आएगा, और कई बार बता के भी आता है तो आदमी नज़रअंदाज कर देता है, आदमी ध्यान ही नहीं देता। इतना हम भूल जाते हैं दुनियादारी में कि ख्याल ही नहीं करते कि यहाँ से जाना भी है, इसलिए हम पुण्य का काम नहीं करते हैं, पाप किए चले जाते हैं। एक शरीर से पाप होता है, एक मन से पाप होता है। आदमी सबसे ज़्यादा पाप मन से करता है। आप शरीर से कोई पाप करते हैं उसकी सजा आपको न्यायालय भी दे देता है, बाहर कोई दे देता है, लेकिन जो पाप आप मन से करते हैं उसकी सजा आपको यहाँ बाहर नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु उसकी सजा देगी, भयंकर सजा देगी, और वो सबसे बड़ा पाप है। संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि आप किसी की हत्या कर दिए, आप किसी के साथ गलत कर दिए, तो वो तो उसी समय हो गया, लेकिन अगर आपने मन से किसी के लिए गलत सोच लिया तो इतना भयंकर पाप है कि जन्म जन्म तक उसकी सजा मिलेगी आपको, वो नहीं मिटेगी। इसलिए मन से भी गलत नहीं सोचना है, लेकिन मन को सकारात्मक बनाएंगे कैसे? ऐसे ही सत्संग से।
सकारात्मक सोच पैदा हो गई दिनेश जी के मन में, सत्संग रख लिया। नहीं तो लोग ऑर्केस्ट्रा करते हैं, नाच करते हैं, नौटंकी करते हैं, अपना भी डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं। लेकिन दिनेश जी के मन में हुआ कि नहीं, हमें गुरु जी को लाना है, सत्संग करना है। बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, सत्संग रखा, आप सब आए, सत्संग लाभ मिल रहा है। संत जन कहते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो यथार्थ संत हैं, सच्चे संत हैं, उनका दर्शन भी आपका बहुत सारा पाप काट देता है। सच्चे संत का दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, और यदि उनका ज्ञान सुनने को मिल गया तो समझना आपने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आज ये मौका मिला। गुरु की सेवा का जिनको मौका मिल गया वो तो और ज़्यादा सौभाग्यशाली है। जिनको गुरु के सेवा का लाभ, गुरु को भोजन कराने का लाभ मिल गया, गुरु के सेवा, गुरु का संगत, गुरु की वाणी, गुरु का आदर्श जिनको मिल गया, वो बिरले सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये अवसर मिल गया, और यही है सकारात्मक सोचना। तो आप सकारात्मक जब सोचते हैं तो आप आधी समस्या खुद मिटा लेते हैं, और यदि आप नकारात्मक सोचने लग जाते हैं तो आपके जीवन में इतनी भयंकर समस्याएं पैदा हो जाती है कि आप कई बार सफल होते होते असफल हो जाते हैं। आपके जीवन में असफलताओं का चारों तरफ घेरा लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हम अगर हम अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, तो इस संसार में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। और उससे एक फर्क ये पड़ेगा कि हम सही गलत का निर्णय कर सकेंगे। हम मन के गुलाम होते चले जाते हैं, मन हमारा मालिक बन गया, और जब मन मालिक बन जाता है तो गलत ही गलत हमारे जीवन में हम करते हैं, सही नहीं करते हैं। क्योंकि मन सदैव हमसे गलत करवाता है, मन कभी सही करवाता ही नहीं। जैसे ही मन मालिक बनता है वो आपसे पाप करवाना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप मालिक बनते हैं तो आप मन से फिर अच्छे कार्य करते हैं, फिर आप अच्छे चिंतन करते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, वही इस धरती पर अमर बनता है, वही इस धरती पर पुण्य अर्जित करके जाता है, दूसरों को भी प्रेरणा देता है। आज हम वही संकल्प लें। आज पहले दिन में आप सबके लिए मेरी यही मंगल कामना है, शुभकामना है कि हम सब भी अपने जीवन में जहाँ भी देखें अच्छा देखें, जिधर भी दृष्टि ले जाएं अच्छे से उसको, हम उसमें गंदगी ना देखें, हम किसी की बुराई ना देखें, हम उसकी अच्छाइयों को देखें। जब हम दूसरे की अच्छाइयों को देखते हैं उससे हमारे जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ती है, घटती नहीं। हम क्या करते हैं, कूड़ेदान की तरह अपने मन मस्तिष्क में गंदगी भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। और जब हमारा मन मस्तिष्क गंदगी से भर जाता है तो इतना भयंकर दुख जीवन में शुरू होता है, वो हम मिटा नहीं पाते। तभी आपका मन गंदा हुआ, भाई से झगड़ा हो गया, आपका मन गंदा हुआ, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आपका मन गंदा हुआ, सास बहू के झगड़े हो गए, आपका मन गंदा हुआ, आप असावधान होने लगे, मन गंदा हुआ, सारे पाप होने लगे, फिर शरीर से पाप ही पाप होगा, आपके पास धन है, धन का गलत उपयोग करेंगे। जैसे ही मन गंदा हुआ, आपके पास विद्या है, आप विद्या का गलत उपयोग करेंगे, आपके पास कोई कला है, कला का गलत उपयोग करेंगे, आपके पास सामर्थ्य है, आप उस सामर्थ्य का गलत उपयोग करेंगे। आपका मन सही और गलत हो जाए उसी से बहुत कुछ बदल जाता है। सही हो गया तो आपके पास धन का सदुपयोग होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी के पास तलवार है या चाकू मान लीजिए, तो कोई आदमी अगर चोर है, उसके पास गलती से चाकू हाथ लग गया उसको, तो चाकू से क्या करेगा, सब्जी काटेगा कि किसी की जेब काटेगा। अगर चोर के हाथ चाकू लग जाए तो सब्जी नहीं काटता, वो किसी की जेब काटता है, और जेब काटते काटते कहीं दिख पकड़ा गया तो गर्दन पर भी चला देता है। लेकिन वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ लग जाए तब क्या करता है, वो ऑपरेशन करके शरीर के गलत भाग को बाहर कर देता है, पीड़ा को ख़त्म कर देता है, सर्जरी करके आपके कष्ट को हर लेता है। चाकू वही है, डॉक्टर के हाथ लगा तो आपके कष्ट को हर लिया, और चोर के हाथ लगा तो क्या किया, जेब काट लिया। एक ही बंदूक है, आतंकवादी के हाथ लग गया तो निर्दोषों को मार देता है,
और सेना के हाथ में है तो पापियों को मारता है, देश की रक्षा करता है। यही फर्क है आपके चिंतन का। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो वस्तुएं सार्थक हो जाती है। फिर वही चीज़ें जो कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका सही इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। आप एक एक चीज़ देख सकते हैं, वही धन फिर आप धर्म के लिए खर्च करने लग जाएंगे। अगर आपका मन सही है तो वही बल आपका असहाय के लिए आप खर्च करेंगे, वही विद्या आप अनपढ़ के लिए खर्च करेंगे, वही धन आप धर्म के लिए खर्च करेंगे। लेकिन मन गंदा है तो आपका बल, आपकी विद्या, आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य सब पाप में चला जाएगा। आप सबसे पाप ही पाप करेंगे। इसलिए सत्संग आपके मन को निर्मल करता है, आपके भीतर सकारात्मक सोच पैदा करता है। फिर आप राष्ट्र के बारे में सोच पाएंगे, तब आपको लगेगा कि जिस देश में हमने जन्म लिया है हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ फर्ज है। खा पी के ऐसे ही जीवन गंवा के नहीं जाना है। फिर आपको लगेगा कि जिस देश में हमने जन्म लिया है हमें अपने बच्चों को सही सीख देनी है, इस देश के प्रति हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें अपना दायित्व निभाना है। और जब आप एक एक व्यक्ति अगर सकारात्मक सोचने लग जाए तो एक व्यक्ति सही होने से फिर धीरे धीरे एक से दो, दो से पाँच, पाँच से बीस, पचास लोग सही होते हैं, फिर एक समाज, एक गांव सही हो जाता है और धीरे धीरे वही देश धर्म प्रधान देश बन जाता है, विश्व गुरु बन जाता है। तो हम सब अपने समाज के निर्माण में सहायक बन सकें, ये संकल्प हमारा हो। ऐसा कुछ न करें कि हमारा कोई कर्म समाज राष्ट्र निर्माण में बाधक बन सके। हम अपने जीवन में वो धर्म, वो ज्ञान, वो ध्यान धारण कर सकें, वो सम्यक दर्शन धारण कर सकें, जिससे हम समाज के लिए सही दिशा प्रदान करने में सहायक बने। आप माता पिता हैं, अगर आप ठान लें तो आपके बच्चे में सही संस्कार आ जाएंगे। अगर आप ठान लें तो इन्हीं बच्चों में से कोई श्रवण कुमार जैसा बन जाएगा, कोई भगत सिंह जैसा बन जाएगा। और अगर आप नहीं ठाने तो इसी में से कोई लादेन बन जाएगा, कोई कसाब बन जाएगा, इसी में से कोई जयचंद बन जाएगा। इसलिए अगर आप ठान लेंगे, एक माँ एक पिता मिलकर अगर ठान लें तो उसी वो अपने बच्चे को महाराणा प्रताप भी बना सकता है, अपने बच्चे को वीर शिवाजी भी बना सकता है, अपने बच्चे को राष्ट्रभक्त बना सकता है। और अगर वो संकल्प उसका गलत है, सिर्फ बस मेरा तेरा में जा रहा है, खाने पीने में जा रहा है, दुनियादारी में जा रहा है, तो फिर आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम पहुंचा देंगे और समाज के लिए वो कलंक बनेंगे। इसलिए सोच लीजिए कि आप वृद्धाश्रम में बिताना चाहते हैं या सुख से जीना चाहते हैं। सुख से जीना है तो अभी से जाग जाइए, अपने मन को भी निर्मल कीजिए और अपने बच्चों में शुभ संस्कार डालिए ताकि वो श्रवण कुमार बन के आपकी सेवा कर सके। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।